शिमला ग्रामीण क्षेत्र में एयरपोर्ट के समीप जाठिया देवी में 10 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जबकि एक कोरोना संक्रमित मरीज की अस्पताल में रविवार को मौत हो गई। जाठिया देवी में कुछ दिन पूर्व 4 लोगों के कोरोना संक्रमित आने के बाद पंचायत के आग्रह पर रविवार दोपहर कोरोना टेस्टिंग करवाई गई। 25 ऐसे लोगों के कोरोना टेस्ट हुए जो कोरोना संक्रमित लोगों के प्राइमरी कॉन्टैक्ट में थे। स्वास्थ्य टीम द्वारा लिए गए इन 25 सैंपल में से 10 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ग्राम पंचायत बागी के प्रधान नरेश ठाकुर ने कहा कि कुछ दिन पहले जाठिया देवी में एक शादी समारोह था, जिसके कुछ दिन बाद जाठिया देवी में 4 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इन 4 में से एक 55 वर्षीय व्यक्ति की रविवार को अस्पताल में मौत हो गई। उन्होंने बताया कि जाठिया देवी बाजार में कोरोना संक्रमण के मामले आने के बाद पंचायत ने अपने स्तर पर भी संक्रमित व्यक्तियों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री खंगाली और आज कोरोना टेस्ट करवाए गए। जाठिया देवी में अब कोरोना के 13 एक्टिव केस है, जिसके चलते जाठिया देवी को कंटेनमेंट जोन बनाकर सख्ती बढ़ा दी है। यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करेगा तो पंचायत कार्रवाई करेगी। किन्नर कैलाश ज्वेलर्स, मेन बाजार रामपुर बुशहर, डिस्ट्रिक्ट शिमला, 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमें पता लगने के बाद जो है हमने यहाँ पे जो उनके संपर्क में लोग थे उनसे संपर्क साधा, और उनके जो कांटेक्ट में थे वो 25 लोग यहाँ पे उनके संपर्क में रहे हैं। हमने आज उनके कोरोना टेस्टिंग टीम डॉक्टर की टीम को बुला के है आशा वर्कर की मदद से, और 25 लोगों की जो टेस्टिंग की गई उसमें 10 केस हमारे पॉजिटिव पाए गए हैं, और पॉजिटिव जो केसेस पाए गए वो उनको दवाइयाँ वगैरह सारी जो है उसी समय उपलब्ध करवाई गई। साथ में उनको जो है क्वारंटाइन किया गया, उनको गाइड किया गया। साथ में इस पंचायत के अंदर जो है 10 केसेस को भी ला के जो हमारे 4 केसेस जो पहला भी एक्टिव थे वो चल रहे थे। अब जो है हमने इसके लिए जो है ग्राम पंचायत बागी के सभी इलेक्टेड मेंबर, उप प्रधान जी, वार्ड मेंबर सीताराम जी और पंची वार्ड से सभी मेंबरों को बुला के एक खासतौर से एक मीटिंग की गई, जिसमें जो एक प्लानिंग की गई कि इन लोगों को किस तरीके से हम ट्रीटमेंट देंगे, किस तरीके से हम इस पॉजिटिव लोगों को जो है सुविधा उपलब्ध करवाएंगे, इसके लिए हमने चर्चा की आपस में। तो अब मेरा जो 10 लोग आज भी पॉजिटिव आए हैं उनसे भी निवेदन रहेगा कि वो अपने घर में जहाँ पे उनको क्वारंटाइन किया गया वहाँ पे आशा वर्कर को भी वो कोऑपरेट करे, आसपास के जो उनके पड़ोस में लोग रहते हैं वो उनसे संपर्क बनाने की कोशिश ना करे, अपने कमरे में अंदर बंद करके अपना इलाज करे। और इसके लिए जो अगर उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा या किसी भी प्रकार की मदद, किसी भी प्रकार का हो उनको समस्या आती है तो वो जो है ग्राम पंचायत की बागी के किसी भी मेंबर प्रधान से संपर्क कर सकता है। जो उसके बाद जो है हम आशा वर्कर से, डॉक्टर से बात करेंगे, जो भी उनके डॉक्टर का करने का होगा, दवाई उपलब्ध करने का होगा, वो हम सारी सुविधा जो है पॉजिटिव लोगों के लिए देंगे। और साथ में मैं कहना चाहूँगा कि आज जो है हिमाचल प्रदेश पूरा भारत कोरोना महामारी से जूझ रहा है, इसके लिए हमें एक व्यवस्था बनाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और आवश्यकता के साथ साथ जो है हम लोगों को एक अवेयर और एक्टिव होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो कि गांव में हमारे लोग रहते हैं वो काफ़ी सीधे साधे होते हैं, उनके लिए मैनेजमेंट करना, खास तौर से जो जिम्मेदार लोग हैं, दिहाड़ी वाले लोग हैं, उनके लिए खासी तौर से ध्यान रखा जाए। और हम जो है पंचायत बागी जो है अपने पंचायत में जो है लोगों के लिए जरूरतों को पूरा करने के लिए जो हमने आज चर्चा भी वार्ड मेंबरों के साथ की, उसमें हमने चर्चा में निर्णय लिया है कि हम अपने लोगों के लिए जो है सैनिटाइज मास्क और पैरासीटामोल दवाइयाँ और जितने भी पॉजिटिव केसेस जहाँ जहाँ भी है जिस गांव में उसको जो है पंचायत, पूरी पंचायत मिलके जो है सैनिटाइज करेगी अपने खर्चे पे। और उसके लिए सबका योगदान, हमारे मेंबरों का प्रधान, सभी लोगों ने जो है सहयोग किया है इसमें, और सभी लोग जागरूक की तरह इस पंचायत में कोरोना महामारी से जंग लड़ने के लिए हम लोग तैयार है। और व्यवस्था
भी उसी तरीके की बनाई जा रही है। साथ में हमारे जो ये कोरोना पॉजिटिव केसेस है वो मार्केट के अंदर है, तो हमने निर्णय लिया है कि हम जो है मार्केट में जितने भी हमारे दुकानदार भाई है वो भी हमें कोऑपरेट करें, कम से कम दुकानें खुले और एक अवेयरनेस का एक मैसेज दे लोगों के बीच में। तो मेरी खास तौर से इस पंचायत के लोगों से, सभी लोगों से प्रार्थना है, उम्मीद है कि आप लोग पंचायत का सहयोग करेंगे, क्योंकि पंचायत बिल्कुल लोगों की सुविधा के लिए कार्य कर रही है। डॉक्टर से संपर्क में है पंचायत के सभी प्रतिनिधि और आशा वर्कर हमारे बिल्कुल दिन रात लोगों के लिए काम कर रही है। तो सभी लोग जो है पंचायत पूरे तत्पर के साथ लोगों को सुविधा देने के लिए तत्पर है। साथ में कहना चाहूंगा कि आज बागी पंचायत के अंदर हमारे 14 जो केसेज एक्टिव केसेज हुए हैं उनके लिए जो है हम पंचायत अपने खर्चे पे जो भी सुविधा उनको चाहिए होगी, चाहे वो दवाई से संबंधित हो, राशन से संबंधित हो, उनके किसी कार्यों में विघ्न बाधा वो समझते हैं पॉजिटिव लोग, उनके लिए जो है पंचायत ने मैनेजमेंट की है वो हमें कॉन्टेक्ट करे, हमने जो मैनेजमेंट की है हम उनको वो सुविधा देंगे।